देखिए, दोनों ही पक्षों के पास अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन सच्चाई ये है और ये सच दोनों पक्ष भी जानते हैं और दोनों ही जो अकीदत रखते हैं वो भी ये बात मानते हैं और वो लोग भी ये बात मानते हैं जो भगवान में आस्था रखते हैं कि जो भी फैसला होगा वो अदालत में होगा। लेकिन दलीलें जो दी जा रही हैं वो बड़ी दिलचस्प है। जैसे मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि 1991 का एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसमें जो कहा गया है उसके हिसाब से अभी जो सर्वे हुआ है वो हो ही नहीं सकता है। लेकिन जो हिंदू पक्ष है वो ये कह रहा है कि आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि सर्वे में जो तथ्य सामने आएंगे, जो सत्य सामने आएगा, वो स्थापित कर देगा कि वहाँ कुछ और नहीं मंदिर ही था। तो इन दोनों ही दलीलों के बीच या इन दोनों ही दलीलों को मिलाकर एक रिपोर्ट मास्टर स्ट्रोक में हमने आपके लिए तैयार की है। ये दलीलें किस ओर जाती है और किस ओर इशारा करती है, अब इसे देखिए आप। मंदिर की दीवारें हैं मोटी, उस पर यह गुंबद रखा गया, इससे साबित होता है कि यह मस्जिद नहीं महजिद है। तो शिवलिंग देखिए, मंदिर का प्रांगण तो वहाँ कबर कहाँ से निकल जाएगा, फव्वारा कहाँ से निकल जाएगा, शिवलिंग नहीं निकलेगा मंदिर में, क्योंकि वहाँ मुसलमानों का एक भी घर तो है नहीं मस्जिद के आसपास। कुछ भी डाल दो, उसके अवशेष का गड्ढा करके कहीं भी डाल दो, कुछ भी निकाल दो। ज्ञानवापी परिसर में मंदिर और मस्जिद की इस जंग में पहला नंबर आता है उस वीडियो सबूत का जो सर्वे के आखिरी दिन सामने आया। सबूत नंबर एक, वजू खाने में शिवलिंग। ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष अपने दावे के सबूत के तौर पर सबसे ऊपर वजू खाने में मिली उस आकृति की दलील दे रहा है जिसे वो शिवलिंग बता रहा है। सर्वे के आखिरी दिन जब वजू खाने के पानी को खाली कराया गया तो ये शिवलिंग नजर आया। इसके बाद से ही हिंदू पक्ष अपने दावे को लेकर और भी उत्साहित हो चुका है। खुल के बताइए, क्या पिला, क्या पाया? बाबा मिल गए, कुछ नहीं मिल गया। हाँ, बस तो बड़ी बात है, सदियों की प्रतीक्षा के बाद वहाँ शिवलिंग प्राप्त हो रहा है। सबूत नंबर दो, नंदी के सामने शिवलिंग। वजूखाने में जिस दिन शिवलिंग मिला उसी दिन से ये कहा जा रहा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में मौजूद नंदी का चेहरा वजूखाने के सामने है जहाँ शिवलिंग मौजूद है। हिंदू धर्म में शिव मंदिरों में नंदी का मुख शिवलिंग की तरफ ही होता है। अब सामने आए नए वायरल वीडियो में भी ये नजर आ रहा है कि एक तरफ नंदी की मूर्ति है, सामने जालीनुमा दीवार है और उसके ठीक सामने वजूखाना है जिसमें शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। पहले भगवान शिव वहाँ विराजमान थे, जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं, पूरा संसार जानता है कि नंदी का मुख मस्जिद की तरफ था और भगवान शिव वहाँ हैं। ज्ञानवापी में भगवान शिव हैं, ऐसा हम सारे लोगों को विदित था और विदित है भी, इतिहास भी कह रहा है। सबूत नंबर तीन, दीवारों की कलाकृति। वजूखाने में शिवलिंग मिलने से पहले ज्ञानवापी परिसर की दीवारों पर बनी कलाकृतियाँ ये काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के बीच की दीवार है। इस दीवार पर बनी ये कलाकृतियाँ हिंदू निशानियाँ हैं। मंदिर का दावा करने वाला पक्ष इन कलाकृतियों को अपने दावे के पक्ष में पेश कर रहा है। लेकिन जो बैरिकेडिंग के बाहर जो हम लोग फोटो ली उसमें चक्र बने हुए कमल के, गाय के, देखिए कमल के निशान है, ये सूर्य के निशान है, ये नाग देवता है जो हिंदू मंदिर में होते हैं, किसी इस्लामिक कल्चर में तो होता नहीं। सबूत नंबर चार, दीवार पर श्रृंगार गौरी की प्रतिमा। ये सारा विवाद इसी श्रृंगार गौरी की पूजा को लेकर शुरू हुआ। माँ श्रृंगार गौरी की प्रतिमा ज्ञानवापी परिसर की बाहरी दीवार पर है। इसकी विधिवत पूजा के लिए 5 महिलाओं ने याचिका दी जिसके बाद सर्वे का आदेश हुआ, लेकिन मस्जिद की दीवार पर मूर्ति की मौजूदगी को मंदिर होने की दलील से जोड़ा जाता है। अभी हमें बाबा का परिवार पूरा पूरा वहाँ मिलेगा, हमारे गणेश जी हैं, हमारे वहाँ पे नंदी जी हैं, हमारी वहाँ पे श्रृंगार गौरी माता है, हमारे हनुमान जी हैं, सब आएंगे सामने। सबूत नंबर 5, मस्जिद की टूटी दीवार। ज्ञानवापी में मंदिर की सबसे पुरानी दलील ये दीवार ही है, क्योंकि दीवार दूर से ही नजर आती है और ये दीवार ज्ञानवापी मस्जिद के ही एक हिस्से की है। इन दीवारों में नजर आ रहे पिलर और आकृतियां हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इन्हें भी मंदिर होने के सबूत के तौर पर पेश किया जाता है। सबूत नंबर 6, मस्जिद का नाम ज्ञानवापी क्यों? मंदिर मस्जिद के विवाद में ये सवाल भी उठता है कि आखिर एक मस्जिद का नाम ज्ञानवापी क्यों है। हिंदू पक्ष का कहना है कि मुगल काल में बनी मस्जिद का नाम भला ज्ञानवापी क्यों रखा जाए, और उनकी दलील है कि इस परिसर में मौजूद एक कुएं की वजह से इसे ज्ञानवापी कहा जाता है। कि भगवान शिवलिंग जब को नष्ट किया गया, अविमुक्तेश्वर को जब नष्ट किया गया तो कुछ पंडित लोग या स्वयं अविमुक्तेश्वर मतलब शिव उस कूप में आ गए, जबकि उस कूप से
अर्थ ही नहीं था। ज्ञानवापी कूप का मतलब यही था, मात्र यही था कि वहाँ पर रहने वाले को ज्ञान, वहाँ पर स्नान करने वाले को, उसका जल आचमन करने वालों को ज्ञान की उपलब्धि होती है, उससे इतना ही आशय था। ABP News आपको रखे आगे।